नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भिवाड़ी में दो सोसाइटियों एवलोन रॉयल पार्क व एसेंशिया सोसाइटी से चार बार में लगभग 20 लाख का सामान चोरी करने वाली उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय यूनुस कबाड़ी गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही खुशखेड़ा की त्रेहान सोसाइटी से चोरी की वारदात का भी खुलासा किया। पुलिस टीम ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश में वेश बदलकर सूचनाएं एकत्रित कर गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में चोरी किए गए माल सहित प्रयुक्त वाहन क्रेटा टेम्पो व पिकअप को जब्त किया है। ये गैंग एनसीआर क्षेत्र में विगत दो माह में दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुकी है। आरोपियों ने पूछताछ में पिछले कई सालों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दर्जनों चोरी की वारदात करना कबूल किया है। उक्त अंतर्राज्यीय गैंग का मुखिया यूनुस कबाड़ी अपने क्षेत्र के बेरोजगार लड़कों को पैसों का लालच देकर बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। गैंग का मुखिया यूनुस का कबाड़ का गोदाम जेनेसिस मॉल के सामने अलवर बाईपास भिवाड़ी में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश से बुलाए हुए लड़कों को दिन में फेरी करने व कबाड़ खरीदने के बहाने से चोरी करने के स्थान की रेकी करवाता है। उसके बाद यूनुस के गोदाम पर बैठकर चोरी करने की योजना बनाकर रात्रि में 1 से 3 बजे के बीच क्रेटा व टेम्पो साथ में ले जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फिर चोरी किए हुए माल को गैंग का मुखिया यूनुस अपने पहचान वाले कबाड़ी दिल्ली गुरुग्राम गाजियाबाद से भिवाड़ी बुलाकर बेच देता है। अभी तक इसके अंदर दो आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, रात्रि को गिरफ्तार किया है और आज उनका पुलिस रिमांड लेंगे। बाकी जो इन्होंने करीब करीब आधा दर्जन लोगों के नाम बताए, आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करना, उनसे बरामदगी करना, इसलिए आज रिमांड हासिल करेंगे। एक दो वारदातें जो हमारे CEO साहब ने आपको बताई UP की है, लेकिन उसको हम तस्दीक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ वारदातें हुई है। अदर स्टेट को सूचना देने से पहले हम चाह रहे हैं कि राजस्थान का, विशेषकर भिवाड़ी की जो भी वारदातें हैं उस पर पहले हम ध्यान पूरा फोकस करें और वो वारदातें खोलने के बाद में हरियाणा, UP और दिल्ली जो भी वारदातें हैं उन संबंधित स्टेट को बताएंगे, क्योंकि पुलिस सारी एक ही है, लेकिन उनको बाद में बताएंगे जिससे अपनी बरामदगी वगैरह। इसमें सर, अगर भिवाड़ी की बात करें, भिवाड़ी में कितनी वारदातें करना कबूल किया, क्या उसकी गिनती होगी? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है रात भर की, CEO साहब ने, मैंने और SHO ने, स्पेशल टीम ने पूछताछ की, उसमें करीब आधा दर्जन वारदातें इन्होंने कबूल की है। छोटी छोटी वारदातें भी है, लेकिन ये बड़ी जो है 25 लाख की, 18 लाख की फ्रेम की चोरी, ये सारे मिला के जो की है। अब आगे आज जैसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि ये बहुत हार्डकोर है, इनके बारे में 5 मिनट में ही जल्द बताना कोई भी तरह की जल्दबाजी होगी, इनसे पूरी पूछताछ करेंगे, फिर ये बताएंगे इन्होंने कहाँ कहाँ वारदात की थी। अन्य तरीकों से, तकनीकी साक्ष्यों से पता करेंगे इनकी उपस्थिति कहाँ थी, कहाँ किसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, पूरा खुला सके। ये अंतर्राज्यीय अपने आप ही हो गए, कारण UP के रहने वाले थे, UP इन्होंने छोड़ा है, छोड़ने का कारण भी यही रहा होगा। तो उनके SHO से और से सारों से हमने, कईयों ने अपने नाम पते भी मैं गलत बताए थे, उसकी तस्दीक कर ली है। अब आधार कार्ड से ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।